मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। राजनीति के गलियारों से एक खबर सामने आ रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने 5000 रुपयों का इनाम जाहिर किया है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुकी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इन दिनों राज्य में अपनी छाप बनाने में जुटी हुई है। ऐसे में पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर काफी सक्रिय हो गई है। एमएनएस की हर मीटिंग और रैली में घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात कह रही है। इसी क्रम में पार्टी ने औरंगाबाद में पोस्टर लगाए गए हैं, जिन पर लिखा गया है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और पाकिस्तानी घुसपैठियों की जानकारी देने वालों को 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं महिला और बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य में दोबारा हिंगनघाट अग्निकांड जैसा कोई और हादसा ना हो और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाते हुए राज्य में विभागीय स्तर पर महिला आयोग के कार्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है। साथ ही इस आदेश पर तुरंत कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को काबू में रखने की बात कहने वाला पत्र वसंतराव नाइक खेती स्वावलंबन मिशन के अध्यक्ष किशोर तिवारी की ओर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय भैयाजी जोशी को लिखा गया है। अमृता फडणवीस हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती है और कई बार वह अपने बयानों से राजनेताओं पर निशाना भी साधती रहती है। अमृता फडणवीस ने हाल ही में आदित्य ठाकरे की एक कीड़े के साथ तुलना की थी। वैसे अमृता फडणवीस हमेशा देवेंद्र फडणवीस की बाजू लेते हुए शिवसेना पर टीका टिप्पणियां करती रहती है। इसी मुद्दे को सामने रखकर किशोर तिवारी ने आरएसएस को पत्र लिखकर अमृता फडणवीस पर लगाम लगाने की। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।